कोतावली हाथरस गेट के गांव में युवक ने 80 साल की वृद्धा को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने इस घटना की किसी को जानकारी ना देने के लिए पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। 3 दिन बाद वृद्धा साहस कर पुलिस के पास पहुंची और इस मामले पे रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 80 वर्ष वृद्धा का एक बेटा है जो कि अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे शहर में रहता है। वृद्धा घर पर अकेली ही रहती है। 3 दिन पहले वृद्धा घर में सो रही थी। इस बीच रात को करीब 2:30 बजे गांव का ही एक 29 वर्षीय युवक आया और वृद्धा को दबोच लिया। वृद्धा को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला गाँव का ही होने के कारण कुछ लोगों ने इस मामले को दबाने का भी प्रयास किया। 3 दिन बाद वृद्धा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंची और अपने साथ हुए दरिंदगी की दास्तां सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी और फिर उसे रात को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। यहाँ से उसे जेल भेजा गया। SHO छत्र सिंह राजोरा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया गया है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।